हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने चर्चा की थी संविधान का भाग दो और आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। 5 to 11 आर्टिकल हमने चर्चा कर चुके हैं, उसमें हमारा नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे नागरिकता अधिनियम के बारे में, ठीक है। नागरिकता अधिनियम क्यों लागू किया गया? क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तब नागरिकता को लेकर कोई ज्यादा विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे, ठीक है। कोई ज्यादा उसमें कोई मतलब सुधार नहीं किए गए थे नागरिकता को लेकर। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि नागरिकता का मिसयूज होने लगा, तो उस मिसयूज को देखते हुए 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया था कि नागरिकता अधिनियम के तहत कि हम किन किन तरीकों से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं, वो 5 तरीके थे जिनके तहत हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते थे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो तरीके हैं। फर्स्ट है जन्म के आधार पर, ठीक है। जन्म के आधार पर, तो हम जन्म के आधार पर किसी को भी पहले नागरिकता दे दी जाती थी। क्या है? जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता दे दी जाती थी। तो बाद में इसमें संशोधन किया गया कि ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जो नेपाली लोग हैं वो इंडिया में आते हैं, ठीक है, नौकरी के लिए इंडिया में आते हैं। या जैसे तिब्बत मार्केट हमारे यहाँ लगती है, तो तिब्बत के लोग भी इंडिया में आते थे पहले व्यापार करने के लिए। तो उन अगर उस टाइम पर जिस टाइम वो व्यापार करने आए हैं और यहाँ पर उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी इंडिया की आसानी से। तो बाद में इसको खत्म किया गया, संशोधन द्वारा इसको खत्म किया गया 1986 में। फर्स्ट इसमें संशोधन किया गया नागरिकता अधिनियम में और इसको खत्म किया गया और कहा गया कि नहीं, जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता ना हो। अगर माता पिता में से किसी भी एक के पास भारत की नागरिकता होगी तो उसको बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, ये नागरिकता अधिनियम में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, टाइम टाइम पर बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। तो फर्स्ट संशोधन जो था 1986 में हुआ, फिर सेकेंड 1992 में हुआ, फिर थर्ड 2003, 2005 और 2019 वाला तो शायद सभी को याद होगा, जिसमें काफी बवाल भी हुआ था सीए और एनआरसी को लेकर, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्या था हमारा। सेकंड था वंश के आधार पर। पहले क्या था? वंश के आधार पर, आपको पता है हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, तो यहाँ वंश के आधार पर, सिर्फ पिता के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती थी, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, इसमें सुधार किया गया 1992 में कि नहीं, ऐसा नहीं है, वंश के आधार पर नागरिकता, सिर्फ पिता के वंश के आधार पर नागरिकता देना सही नहीं है। तो बाद में अमेंडमेंट हुआ और कहा गया कि माता के वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था सानिया मिर्जा का, तो उन्होंने वहां पे जो शोएब मलिक है पाकिस्तान के क्रिकेटर है उनसे शादी की है, तो लेकिन उनके जो बेटे को नागरिकता इंडिया की भी मिल सकती है, क्योंकि सानिया मिर्जा ने अभी भारत की नागरिकता को नहीं छोड़ा है, नहीं त्यागा है। तो उनके बेटे को अपनी माँ के वंश के आधार पर भी नागरिकता इंडिया में मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, वंश के आधार पर। तो इसको हटाया गया, इसको खत्म किया गया कि नहीं, सिर्फ पिता के आधार पर ही नागरिकता ना दी जाए, माता के आधार पर भी दी जाए। और यहाँ पर पहले था कि किसी को भी नागरिकता दी जाएगी, तो इसको भी खत्म किया गया कि नहीं, माता या पिता में से किसी एक का होना भारतीय होना या उनके पास भारतीय नागरिकता का होना जरूरी है, तो ही उनको जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पंजीकरण द्वारा या रजिस्ट्रेशन द्वारा, ठीक है। पंजीकरण में क्या था कि आप 7 वर्ष पहले तक या तो भारत में रह रहे हो, ठीक है, या फिर आपने भारत में किसी से विवाह किया हो, स्त्री पुरुष किसी से भी आपने विवाह किया हो, तो आपको और उसके बाद भारतीय नागरिकता है, तो और आप 7 वर्ष पहले से आप भारत में रह रहे हो, तो आपको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है देशीकरण द्वारा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन द्वारा। तो देशीकरण द्वारा क्या, इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि इसमें थोड़ा नागरिकता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम भी थोड़ा लंबा होता है। पहले ये अवधि 5 वर्ष थी, अभी बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। तो इसमें क्या है, आप किसी भी क्षेत्र में, जैसे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या साहित्यकार हो आप, बहुत अच्छी बुक्स लिखते हो, या कला के क्षेत्र में आप संगीत में या किसी में भी वाद्य यंत्र बजाने में, किसी में भी आपको बहुत अच्छा आपको नॉलेज है, और विज्ञान के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको भारतीय भाषा जो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है, उनमें से किसी एक भाषा को आपको अच्छा ज्ञान है, किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान है, और आप 10 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, तो आपको देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अदनान सामी, जो सिंगर है अदनान सामी, जो पाकिस्तान के सिंगर है, वो 10 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, और वो मतलब कला के क्षेत्र में उनका काफी अच्छा योगदान भी है, और वो 10 वर्ष से रह रहे हैं, उनको भारतीय भाषा भी आती है, ठीक है, उनको भारतीय भाषा भी आती है, तो इसलिए उनको भारत की नागरिकता दे दी गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 5th है अर्जित भूमि के द्वारा। अर्जित भूमि के द्वारा कैसे, कि आपको पता है 1975 में हमने सिक्किम को अपने ही देश में विलय कर लिया था, एज अ मतलब 22nd राज्य के रूप में, 22वां राज्य जो सिक्किम था वो हमारा बना था 1975 में। तो सिक्किम को अर्जित, तो उसी दिन से, जिस दिन से उसको भारत में विलय हो गया था, उसी दिन से उसके लोगों को, सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अर्जित भूमि के द्वारा। अगर हम किसी राज्य का या किसी देश का भूमि को हम अपने भारत में विलय करते हैं, तो उस देश के या उस राज्य के लोगों की जो नागरिकता है वो भारत की मानी जाएगी उसी दिन से, जिस दिन से वो विलय होता है। तो इस तरीके से ये 5 विधियां है जिसके द्वारा हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इन 5 विधियों के द्वारा हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 1st है जन्म के आधार पर, फिर 2nd है वर्ष के आधार पर, 3rd है पंजीकरण के द्वारा, 4th है देशीकरण, और 5th है अर्जित भूमि के द्वारा, ठीक है। इन 5 विधियों के द्वारा हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, कि अगर किसी को अपनी नागरिकता छोड़नी है या उसकी नागरिकता को मतलब छीना जाएगा तो वो किस तरीके से होगी। तो देखते हैं हम नागरिकता की समाप्ति। तो यहाँ पे नागरिकता की समाप्ति के लिए 3 विधियां दी गई है, ठीक है। नागरिकता की समाप्ति के लिए 3 विधियां दी गई है। नंबर 1 है नंबर 1 है स्वैच्छिक रूप से, नंबर 2 है बर्खास्त रूप से, बर्खास्त द्वारा, और नंबर 3 है वंचित
विधि द्वारा, ठीक है। नंबर फर्स्ट है स्वैच्छिक रूप से। स्वैच्छिक रूप से मतलब क्या है कि अगर कोई अपनी इच्छा से उसको नागरिकता का त्याग करना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो उसके नाबालिग बच्चे होंगे, उस मतलब 18 वर्ष से कम आयु के जो उसके बच्चे होंगे, फिर उनकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर कोई स्वैच्छिक रूप से मतलब अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग करता है, मान लेते कोई बाहर विदेश में बसना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर देगा, तो जो उसके बच्चे नाबालिग बच्चे होंगे 18 वर्ष से आयु के कम उम्र के बच्चे होंगे, उनकी नागरिकता भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं या 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ की आप नागरिकता रखना चाहते हैं, तो अगर वो इंडिया की नागरिकता रखना चाहते हैं तो एक साधारण से रजिस्ट्रेशन द्वारा, ठीक है, वो अपनी इंडिया की नागरिकता रख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है बर्खास्त द्वारा। बर्खास्त द्वारा क्या है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और आपने आपके पास इंडिया की भी नागरिकता है, तो क्या होगा कि आपकी इंडिया की नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। इंडिया की नागरिकता क्या होगी आपकी, बर्खास्त कर दी जाएगी, नागरिकता खत्म कर दी जाएगी अगर आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन युद्ध की स्थिति में क्या होगा, अगर भारत कहीं युद्ध में बिजी है किसी अन्य देश के साथ, तो फिर आपकी इस जो ये है बर्खास्त द्वारा और स्वैच्छिक रूप से, इसको कुछ दिनों के लिए साइड रख दिया जाएगा, मतलब कुछ दिनों के लिए आपको ये नागरिकता बर्खास्त नहीं होगी, ठीक है। फिर जब युद्ध के बाद, जब युद्ध की समाप्ति होगी, तो फिर आपको फिर से इस पे मतलब इस पे कार्य किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो फिर आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। थर्ड है वंचित विधि द्वारा। वंचित विधि द्वारा क्या है कि अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं, ठीक है, या कोई आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त है, तो आपकी जो नागरिकता है वो यहाँ पर छीन ली जाएगी। या फिर क्या होगा, आप 7 साल से किसी दूसरे देश में, बाहर देश में रह रहे हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वंचित विधि द्वारा। अगर यहाँ पे वंचित विधि में क्या होता है कि नागरिकता छीन ली जाती है अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं या किसी देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त होते हैं या फिर आप दुश्मन देश का साथ देते हैं, तो आपकी जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी। तो ये था हमारा नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। 5 विधियों के द्वारा हमें नागरिकता दी जाती है। कौन कौन सी 5 विधि है, वो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण द्वारा, 4th है हमारी देशीकरण द्वारा और 5th है अर्जित भूमि द्वारा, ठीक है। उन 5 विधियों के द्वारा हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और ये जो 3 विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा हमारी नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।